लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या आप भी रोज खाते हैं आलू के चिप्स, जाने पैकेट बंद चिप्स खाने के नुकसान। घर में बैठकर फोन देखना हो या टीवी पर फिल्म देखनी है, रोड ट्रिप पर जाना हो या ट्रेन से ट्रेवल करना हो, इन सब सिचुएशन के दौरान एक बात कॉमन नहीं है, आलू के चिप्स के साथ मस्ती करना। दरअसल आलू के पैकेट बंद चिप्स टाइम पास के लिए सबको काफ़ी पसंद आते हैं, कई रेगुलर इसका सेवन करते हैं, जबकि ये बात हम सभी जानते हैं कि रेगुलर किसी भी तरह का जंक फूड पैकेज फूड खाना हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो क्या रोजाना आलू चिप्स खाना सही होता है? जाहिर है नहीं, इससे हेल्थ को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादातर पैकेज चिप्स कैलोरी से भरपूर होते हैं, इनमें विटामिन मिनरल्स और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी नहीं होते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रोजाना आलू के चिप्स खाता है तो इससे उनकी बॉडी में कैलोरी इंटेक बढ़ सकता है। अगर कैलोरी बर्न ना की जाए तो इससे मोटापे की समस्या हो सकती है। चिप्स में काफी मात्रा में नमक होता है, जिस व्यक्ति को पहले से ही बीपी है तो उनके लिए इसका सेवन घातक हो सकता है। नमक में 40% सोडियम और 60% क्लोराइड होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में सोडियम का सेवन करता है तो उसे भी बीपी की समस्या हो सकती है। बीपी का होना हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है। आलू के चिप्स में काफी ज्यादा अनहेल्दी ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट होता है। ये दोनों ही किस्म के फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक किस्म का फैट होता है जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। अगर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाए तो ये ब्लड वेसल्स में जमने लगता है, जिससे हार्ट स्टॉल और ब्लड क्लॉट यानी रक्त के थक्के जमने जैसी कई परेशानियों का कारण बन सकता है। बाजार में ज़्यादातर मिलने वाले चिप्स नेचुरल तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। इनका स्वाद बढ़ाने के लिए या लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और अन्य चीजें शामिल हैं। ये तमाम चीजें हेल्थ के लिहाज से सही नहीं मानी जाती हैं। मार्केट में मिलने वाला चिप्स स्वास्थ्य के लिए तो सही नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इसे एडिक्टिव बना देते हैं। आमतौर पर व्यक्ति ना चाहते हुए चिप्स का ओवर ईटिंग कर बैठता है। चिप्स का ओवर ईटिंग करने से ब्लड शुगर पर बुरा असर पड़ सकता है। चिप्स का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने या घटने का कारण बन सकता है। ये स्थिति डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकती है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि पैकेट बंद आलू चिप्स में किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं होता है, इसमें फाइबर की भी कमी होती है, जबकि आप जाने या अनजाने में इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो इससे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।